नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी लोग का भारत ग्रुप टीचिंग के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आप लोग ने सीटेट की तैयारी प्रारंभ कर दिया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। आइए अब हम सीडीपी पेपर वन और पेपर टू में जो कॉमन है, जो भी हमारे भावी शिक्षक पेपर वन की तैयारी कर रहे हों या पेपर टू की तैयारी कर रहे हों, उन सभी लोगों के लिए ये जो सिलेबस है वो कॉमन है। तो आप लोग हमारे साथ इसका प्रीवियस ईयर में जो भी प्रश्न आज तक अभी तक जो सीटेट पे पूछा है उस पर हमारी चर्चा प्रारंभ हो रही है। तो आइए हम चलते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडोगॉजी। मैं राहुल जायसवाल आप सभी लोगों को सीडीपी यहाँ जो प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। तो आप लोग अपना आकलन करिए कि आप लोग ने कितना सीखा है। यहाँ आप ये देखेंगे कि हमने कितना सीखा है, क्या समझा है। हम क्वेश्चन कराते रहेंगे, आप अपना आंसर दीजिएगा, फिर हमारा आंसर देखिए कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और कहाँ गलत हो रहे हैं, फिर उस पर अपनी तैयारी अच्छे से करनी है, उसको फिर दोबारा पढ़ना है, फिर दोबारा उसको रिवाइज करना है, फिर उस टॉपिक को सही कर लेना है। ठीक है, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए, यानी कि प्राइमरी लेवल पर वो टीचर है, निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए। ये प्राइमरी लेवल के टीचर की बात हो रही है कि क्या उसमें विशेषता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर वन क्या कह रहा है, धैर्य एवं दृढ़ता। दूसरा क्या, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता। अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, पढ़ाने की उत्सुकता। इसमें आप लोग बताइए कौन सा आंसर सही होगा। हम देख रहे हैं इसमें कौन सा आंसर सही होगा, आप लोग बताते रहे। क्या होगा आंसर इसमें सबसे उपयुक्त आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, वन। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते रहे, ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। बड़ा अच्छी लाइन देखिएगा, अगर एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है, इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर होगा। क्या कह रहा है, सबसे बेहतर होगा। ठीक, तो आप इसमें सभी ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर क्या कह रहा है कि अभिभावक को पदाचार से अनुरोध करना चाहिए, अभिभावकों को पदाचार से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें। ऑप्शन ये, अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए, ऑप्शन नंबर टू। और ऑप्शन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, अभिभावक को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए, अभिभावक को अपने पदाचार से शिक्षण शिकायत करनी चाहिए, ऑप्शन नंबर चार। आप इसमें देखेंगे सबसे जो उपयुक्त आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मन का मानचित्र संबंधित है। तो आप ऑप्शन नंबर वन देखेंगे, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन की चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता और अनुसंधान से, और बोध समझ बढ़ाने की तकनीक से। इसमें कौन सा आंसर होगा, आप सभी लोग बताते हैं। चले, इसमें कौन सा होगा, इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक, क्वेश्चन नंबर पांच पे चल रहे हैं हम, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है। क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़िएगा, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर क्या कह रहा है, प्राइमरी लेवल पर कह रहा है, विशेष रूप से प्राइमरी लेवल पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है। आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे, आप पढ़ते रहिए क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर वन क्या कह रहा है,
महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना। फिर कह रहा है ऑप्शन नंबर टू, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, कथन कहानी पद्धति का प्रयोग करना, और चौथा कह रहा है क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षा पद्धतियों का प्रयोग करना। आप इसमें देखेंगे, इसमें ए भी सही है, ए भी से भी है, ए भी सही, लेकिन सबसे उपयुक्त क्या सही है कि क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करता रहना चाहिए, कि कौन सा बालक किस विधि से, किस प्रविधि से कंटेंट को समझेगा, उसी प्रविधि से उसको पढ़ाना होगा। तो इसमें हमारा सबसे उपयुक्त आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है, यानी क्रिएटिविटी जो होती है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में क्रिएटिविटी का पोषण करता है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर आप आंसर देंगे। ऑप्शन नंबर वन क्या कह रहा है कि प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्षणों पर बल देना, और ऑप्शन नंबर थर्ड कह रहा है परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना, और आपका डी ऑप्शन कह रहा है अच्छा शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। तो यहाँ हमारा जो बात हो रहा है, निम्न से कौन सा शिक्षार्थी में सृजनात्मकता का पोषण करता है, तो आप देखेंगे सबसे उपयुक्त आंसर आपको जो मिलेगा वो होगा ऑप्शन नंबर वन, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर जात प्रतिभा को पोषण करने के लिए अवसर उपलब्ध कराना है। ठीक है, इसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नजरअंदाज मत करिएगा आप लोग। कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेवन, पियाजे के अनुसार, पियाजे एक मनोवैज्ञानिक है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पना, बहुत बढ़िया देखिएगा, अमूर्त संकल्पना की बात कर रहा है। अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन, आरंभ कर देता है। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है। तो आप समझ क्या कह रहा है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष या ऊपर, एक सर्वेदी पीढ़ी का अवस्था जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 और मूल संक्रियात्मक अवस्था 2 से 11। आप देखेंगे जो बच्चा होता है वो अमूर्त संकल्पनाओं का जो उसके अंदर विकास होता है वो होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष से ऊपर। कब से होता है, 12 वर्ष से ऊपर। तो इसमें जो फोर्थ ऑप्शन जो है क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। जिन पियाजे महोदय ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में 4 अवस्थाएं बताए हैं, जिसमें सबसे पहली अवस्था आपका होता है संवेदी प्रेरक 0 से 2 वर्ष, फिर 2 से 7 वर्ष, फिर 7 से 11 वर्ष, फिर 12 से 18 वर्ष। तो हमारी जो बात हो रही है अमूर्त संकल्पनाओं की, वो इस अवस्था की बात हो रही है, औपचारिक और संज्ञानात्मक अवस्था। तो सबसे करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर वन, जो क्या होगा सबसे करेक्ट आंसर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, बढ़िया क्वेश्चन है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, यानी TLM का प्रयोग किया जाए। ये हो गया, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे, ऑप्शन नंबर टू कह रहा है, और ऑप्शन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर आकृति ध्यान दिया जाए, और ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है, देखिएगा ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिसे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतः क्रिया करे, शिक्षण उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। आपको सबसे उपयुक्त आंसर इसमें क्या लग रहा है आप लोग बताएंगे। आप देखेंगे कि इसमें सबसे उपयुक्त आंसर जो है
वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए। आपने पढ़ा होगा, एनसीए पढ़ा होगा, नेशनल राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 ये बातें कहती है कि बच्चों को विद्यालयी शिक्षा में जो भी उदाहरण दिए जाएं वो क्या हो, वो जीवंत उदाहरण हो और वो समाज से जुड़े हुए हों। ठीक, तो वही चीज इसमें कह रहा है कि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। यानी यहाँ शिक्षक की भूमिका क्या है, एक सुविधा प्रदाता यानी फैसिलिटेटर की है। तो ऑप्शन क्या होगा करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे क्या कर रहे हैं, नहीं मानना चाहिए, ये आप अंडरलाइन कर लेंगे। हम इसलिए आपको सिखा रहे हैं कि आप भी पेपर देते समय इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि नहीं कहाँ कह रहा है और हाँ कहाँ कह रहा है। कि निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? फिर आप देखेंगे सीख क्या कर रहा है, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है और अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। और ऑप्शन नंबर 4 क्या कर रहा है, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्रक्रिया प्राप्त होता है। क्या है ये, बिल्कुल गलत है। शिक्षा क्या होता है, शिक्षा हर जगह मिल सकता है। वैसे कहा गया कि शिक्षार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम, ये तीन चीज शिक्षा के द्विध्रुवी प्रक्रिया होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं होता है कि शिक्षा सिर्फ विद्यालय में ही मिलेगा। आपको प्रकृति भी बहुत कुछ सिखाती है, इंसान भी एक दूसरे को बहुत कुछ सिखाते हैं। तो सीखना क्या है कि सीखना आप कहीं से भी सीख सकते हैं, ये जरूरी नहीं होता है कि विद्यालय आवश्यक हो। तो यहाँ सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, कह रहा है कि पांचवी कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, पांचवी कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी यानी कि जिसको आंख से स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 1 के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। ठीक है, ये भी पढ़ ली। फिर दूसरा देखते हैं, के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 क्या कह रहा है कि के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, से निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। आप देखेंगे इसमें चारों ऑप्शन सही है, अगर आप देखेंगे इसमें चारों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, लेकिन इन चारों ऑप्शनों से हमें ये देखना है कि सबसे हमारे लिए उपयुक्त आंसर कौन सा है। तो आप तभी बता सकते हैं जब इस विषय का आप गहन अध्ययन कर पाएंगे। तो आप इसमें देखेंगे कि ऑप्शन नंबर जो 2 है कि के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी, ये लाइन देखिए, श्रव्य डीसी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए कि बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाए और उसको दृष्टिबाधित है नहीं दिखाई दे रहा है तो जो टीएलएम उसमें प्रयोग हो सकता है, श्रव्य विधि से जो सामग्री होता है उसको प्रयोग करा के ही बालक को पढ़ाना चाहिए। यानी जो उसकी समस्या है हमको उस पर फोकस करना है। अगर नहीं सुनाई दे रहा है तो सुनने वाला साधन लगाना है, नहीं दिखाई दे रहा है तो दिखाने वाला साधन लगाना है। ठीक है, तो इस सबसे एप्रोप्रिएट आंसर है। आंसर बाकी सब सही है, कोई गलत इसमें से नहीं, लेकिन सबसे उपयुक्त आंसर आपको हमारा क्या मिला, ऑप्शन नंबर 2। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? फिर देखिए क्वेश्चन क्या करा है कि आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है, ये नहीं पूछ रहा है संबंध है, पूछ रहा है संबंध नहीं है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, दूसरा कह रहा है शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 क्या कह रहा है कि संगति की आवश्यकता, ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। तो क्वेश्चन आप लोगों ने क्या पढ़ा कि निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है, यानी कि कौन सी ऐसी क्रियाकलाप है जो उसके मनोविज्ञान से संबंधित नहीं होता है, उसके व्यवहार से संबंधित नहीं होता है। तो आप इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 जो है कि शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, ये कोई मनोवैज्ञानिक विषय नहीं होता है, ये जैविक विषय होता है। भूख लगना, प्यास लगना, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, ये क्या है, सब जैविक क्रियाएं हैं, इससे मनोविज्ञान का कोई संबंध प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। तो
तो आप यहाँ सबसे उपयुक्त आंसर आप क्या मिलेगा आपको, क्योंकि यह एक शारीरिक आवश्यकता होता है, काम की भावना, भूख की भावना, ये सारी चीजें क्या है, एक शारीरिक चीजें होती हैं। यहां मनोविज्ञान से इसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन हम, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, वो कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ये नहीं पूछ रहा है कि परिभाषित किया जा सकता है, सबसे एप्रोप्रिएट की बात कर रहा है। तो सबसे इसमें बढ़िया आंसर कौन सा आप देखिएगा, कह रहा है विद्यालय एवं कक्षा, पर्यावरण, सभागार, घर और खेल का मैदान। तो बालक जब छोटा होता है तो विद्यालय एवं उसकी कक्षा के पर्यावरण में जब जाता है तो क्या होता है, उसका संज्ञानात्मक जो विकास होता है सबसे क्या होता है, बेहतर होता है। ठीक, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 13 डैश को एक अवप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। एक बार क्वेश्चन को फिर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। ऑप्शन नंबर वन क्या कह रहा है, शिक्षक द्वारा दिया गया उत्तरात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। अब इसमें देखिए वहां कौन सा ले जाके ऑप्शन बैठाएंगे तो आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। कारण क्या है कि विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना जो तो क्या होता है, उसके अंदर जिज्ञासा की भावना होती है, तभी वो प्रश्न पूछता है, तो उससे क्या होता है, वो बच्चा अभिप्रेरित होता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर टू क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। देखिएगा ये प्रश्न आप अगर थोड़ा सा भी गलती करेंगे तो एक नंबर गवा बैठेंगे। क्वेश्चन को आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा, कहाँ नहीं कह रहा है और कहाँ हाँ कह रहा है। अगर आप यही गलती पेपर में करके आते हैं फिर हाथ मलते रह जाते हैं और एक नंबर दो नंबर से आपकी सफलता क्या हो जाती है, रुक जाती है। फिर 6 महीने साल भर इंतजार करना पड़ता है कि पेपर आएगा तो देंगे, और किसी न किसी बहाली से आप बाहर हो जाते हैं। तो क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आंसर आप निकाल लेंगे। ये मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, ये विषय मनोवैज्ञानिक है, इसमें फैक्ट नहीं होता है, ये सारी चीजें आपके व्यवहार से जुड़ी हुई हैं। तो हमसे हम आपसे गुजारिश करते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ते समय बिल्कुल सावधानी बरतें। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। तो आप अंडरलाइन कर लेंगे, लक्षण क्या कह रहा है, लक्षण लक्षण नहीं है। बुद्धिमान बच्चा क्या नहीं करता है हमको यही पता करना है, क्या करता है वो नहीं पता, क्या नहीं करता ये पता करना। क्वेश्चन कैसे आप समझ गए होंगे, कह रहा है वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। बुद्धिमान बड़े जो बच्चे होते हैं उनकी कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है, बहुत अच्छे होती है। शहर के बच्चे देखिए कितने अच्छे से बात करते हैं, गाँव के जो ग्रामीण परिवेश से बच्चा आता है वो अच्छे से बात नहीं कर पाता है। यानी कि जो बुद्धिमान बच्चे होते हैं उनकी कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है, बहुत अच्छी होती है। चलो ये तो ठीक है। वह जो अमूर्त रूप से सोचना सोचता रहता है, जो बुद्धिमान बच्चा होता है वह आत्मा परमात्मा इन सारी चीजों की बात समझता है, दर्शन क्या होता है, यानी जितने भी चीजें होती है उसके बारे में उसकी एक सोच होती है। बुद्धिमान बच्चा होता है इसमें वो कर लेता है। वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, जो बुद्धिमान बच्चा होता है वो समय काल परिस्थिति के अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। बाहर में है तो कुछ भी मिल लेगा तो खा लेगा, अपने माँ के पास रहेगा तो कहेगा माँ तुम्हारे हाथ का खाना खाएंगे, वो वाली खिचड़ी बना दो, वो पराठा बना दो। लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है वो कुछ भी खा लेता है। तो जो ये व्यक्ति जो बुद्धिमान होते हैं उनकी विशेषता होती है कि समय के साथ अपने आप को ढाल लेना, ये भी एक बुद्धिमान बालक की क्या होती है, विशेषता होती है। फिर आप देखिए आपका नंबर फोर क्या कर रहा है, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। ये कोई
बुद्धिमान बालक की पहचान नहीं होती है किसी चीज को रटना, इसीलिए तो मैं आपसे बार बार कहता हूं कि मेरे विषय में रटना नहीं है, मेरे विषय में समझना है। आप लोग बुद्धिमान हैं, आप लोग भावी शिक्षक हैं, आप लोग जाएंगे, आप राष्ट्र का निर्माण करेंगे, तो आप जो सीखे रहेंगे वही आप बच्चों को सिखाएंगे। तो हम बार देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा बुद्धिमान लोग क्या नहीं करते हैं, तो बुद्धिमान लोग कभी रटते नहीं है, बुद्धिमान लोग जिस जहां खड़े हो जाते हैं वहीं से लाइन खड़ी हो जाती है, वो खुद एक नया मार्ग बनाते हैं। रटने वाला काम कौन करता है? मूर्ख लोग करते हैं। तो यहाँ हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, मुझे ऐसा विश्वास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश को जाता है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? आप लोग बताएंगे, किसी को पता है इसमें तो बताए, आपको अगर नहीं पता तो हम बताना चाहेंगे। पियाजे महेदो जो हैं, पियाजे महोदय जो हैं, वो बालक के विकास की चार अवस्थाओं की बात किए हैं, जो 0 से 2 साल, 2 से 7 साल, 7 से 11 साल और 12 साल से लेकर 18 साल तक संवेदी प्रेरक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक, सब ये सारे हम जब क्लास लेंगे तो इस पे विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आप लोग याद रखिएगा, पेपर में पूछ चुका है क्वेश्चन कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसके किसका श्रेय है? तो पियाजे महोदय ने कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात करती है, कोई एक लड़की है जिसका नाम कृतिका है, वो घर में ज्यादा बात करती है लेकिन विद्यालय में वो काफी बात करती है, काफी। कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वो काफी बात करती है, यह दर्शाता है कि। देखिएगा ऑप्शन पढ़िएगा आप लोग। शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, ठीक। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने की अवसर देता है। तो देखिएगा इसमें आंसर आपका सबसे उपयुक्त कौन सा लग रहा है? देखेंगे कि ऑप्शन नंबर जो थर्ड आपका है कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। कोई व्यक्ति कहाँ कम बोलता है और कहाँ ज्यादा बोलता है, आप लोग देखे होंगे। आप अध्यापक हैं पेशे से, तो आप किसी के शादी में जाएंगे तो वहां अपने विद्वता का परिचय नहीं देंगे, आप शादी में गए तो वहाँ एंजॉय करेंगे, फुल एंजॉय करेंगे, लेकिन आप जब क्लासरूम में आएंगे तो आप अपने विषय पे बात करेंगे, क्योंकि लोग वहाँ आपको सुनने के लिए क्या हैं, तैयार हैं। तो कृतिका का हाल वही है कि घर में वो सबसे छोटी बच्ची है तो वहाँ उसको कोई समझता ही नहीं है कुछ, लेकिन विद्यालय में क्या, वो जा रही है पढ़ने में तेज है, वो खूब अपनी अच्छी अच्छी बात पढ़ती है, बताती है, लोग उसको सुनते हैं। तो यानी उसके विचार को विद्यालय में सम्मान दिया जाता है। तो यहाँ आंसर आपको क्या मिलेगा? उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, आप वहीं ज्यादा बोल सकते हैं जहां आपको लोग सुनने वाले हों। नेता वहीं जाता है भाषण देने, देखता है भीड़ नहीं है तो कहता है कि मौसम खराब हो गया है। कोई भी नेता हो आप देखिएगा, अगर आप कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी की कोई नेता कहीं जाने वाला है, अगर देखेगा भीड़ नहीं है, पहले से उनकी सचल दस्ता वहां चली जाती है, वो कहते साहब भीड़ नहीं है यहाँ, तो नेता मान नहीं जाता, कहता है मौसम खराब हो गया है। तो आदमी वही जाता है बोलने के लिए जहां उसके श्रोता तैयार हों। यहां तक आप लोग बात बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है? सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा समाजशास्त्र। तो हम लोग ये जो विषय पढ़ रहे हैं किस लिए पढ़ रहे हैं? हम लोग बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र जो हम आप पढ़ रहे हैं किस लिए पढ़ रहे हैं? क्योंकि जब हम एक विद्यालय में अध्यापक बनेंगे
तो बच्चों को सिर्फ पढ़ाना नहीं है, उसकी मनोदशा, उसकी प्रवृत्ति, उसकी जिज्ञासा, उसकी अभिवृत्ति, उसके व्यवहार, इन सारे चीजों का मुझे क्या हो जानकारी होना चाहिए। तो इसका सबसे उपयुक्त आंसर आपको क्या मिलेगा, शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, एक शिक्षक को अपनी शिक्षा की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा इससे संबंधित है। तो या क्षमता की बात कर दे, अभिरुचि की बात कर दे, योग्यता की बात कर दे, व्यवहार की बात कर दे, मनोदशा की बात कर दे, इन सारे प्रश्नों का जवाब हमको कहाँ से मिलता है, शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक, क्वेश्चन में वहां अगर क्षमता को छोड़कर हमारे लिए क्षमता दिया है, यहाँ अभिवृत्ति दे दे, योग्यता दे दे, मनोवैज्ञानिक स्थिति दे दे, कुछ भी दे दे, बालक से संबंधित अभिरुचि अभिक्षमता कुछ भी बात पूछ दे, तो उसका हमारा जवाब क्या होगा, शिक्षा मनोविज्ञान। एक क्वेश्चन के साथ कई आपको कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं कम समय में। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, ऑप्शन नंबर 1, पिछले सीखे हुए उन्हें अधिगम से अलग करती है। सीखने की प्रक्रिया में अधिगम क्या कह रहा है कि पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, ऐसा नहीं होता है। अगर आज आप कुछ सीखे हो, कल कुछ उससे बेहतर सीखोगे, तो उसमें क्या होता है, एड ऑन होता है, तो चीजें जुड़ जाती हैं। ये तो आंसर नहीं लग रहा है हमको। फिर कह रहा है शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, कुछ हद तक ठीक है, देखते हैं आगे क्या लिखा है। शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, ये भी ठीक है। शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पौना बनाती है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया भाई। शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पौना नहीं बनाती है, उसको और मजबूत बनाती है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करता है। ठीक, तो ये हमारा दो गलत हो गया। अब इसमें हम दोनों में देखना है कि शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के ऊपर आती है, शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, तो इसमें सबसे उपयुक्त आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के तरफ। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करता है। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका है क्वेश्चन कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करता है। पाठ्यचर्या का मतलब होता है करिकुलम। क्या होता है करिकुलम? तो करिकुलम क्या करता है, करिकुलम संपूर्ण की बात करता है। विद्यालय में संपूर्ण जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो किससे संबंधित होती हैं, पाठचर्या से। तो देखिए कहीं संपूर्ण शब्द इसमें दिख रहा है क्या हमको, विद्यालय का संपूर्ण देखिए मिल गया हमको, संपूर्ण शब्द हमको यहाँ मिल गया कि विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी दिन प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। आप लोग विद्यालय में होंगे, पढ़े होंगे या चाहे पढ़ा रहे होंगे, तो आप देखे होंगे कि करिकुलम यानी कि जो जितने फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी, जितने भी एडिक चीजें होती हैं वो कहाँ, वो हमारे पाठ्यचर्या। सिलेबस तो अलग चीज हो गया, जो विषय हमको पढ़ाना हुआ हमारा सिलेबस हो गया, लेकिन सर्वांगीण विकास करने के लिए हमारी पाठ्यचर्या का निर्माण होता है, जिसे हम करिकुलम कहते हैं। आंसर में कुछ मत खोजिएगा, संपूर्ण शब्द जहाँ आपको मिल गया वही हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है, यानी प्राइमरी लेवल की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या कर रहा है कि शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, ऑप्शन नंबर 2 क्या कर रहा है विकास एवं वृद्धि के मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर, और ऑप्शन नंबर 3 क्या कर रहा है शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर, और ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। तो आप इसमें देखेंगे सबसे उपयुक्त आंसर आपको मिलेगा इसमें ऑप्शन नंबर 2, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, एक बच्चा, फिर आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है। फिर एक बार देखेंगे, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रिया के आधार पर, समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति में अनुक्रिया करता है, किससे संबंधित है। तो यह हमारा हो जाएगा सीखने की
सादृश्यता का नियम, सादृश्यता का नियम का मतलब अगर कोई बात हम सीखे हैं, अगर हम कोई बात सीखे हैं तो वो हमारे अनुभव होता है, वो कोई अगला काम करते हैं उसको कोई दिक्कत आता है तो वो अनुभव हमारे लिए क्या होता है, काम आता है वहां। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, फिर देखिए क्वेश्चन बढ़िया पूछ दिया, पर नहीं है तो प्रतिभाशाली होने के लक्षण नहीं है, दूसरों के साथ झगड़ना ये हो गया, अभिव्यक्ति में नवीनता ये हो गया, जिज्ञासा हो गया। तो जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो अधिकतर क्रियात्मक भी होते हैं, जिज्ञासा वाले अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति में नवीनता भी होती है, लेकिन दूसरों के साथ में झगड़ना ये नहीं होता। इसका ऑप्शन नंबर वन क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, किसी को इसका आंसर पता हो तो बताए क्या होगा। ऑप्शन नंबर वन क्या कह रहा है, विशेष विद्यालयों में विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा। ऑप्शन नंबर टू कह रहा है विशेष विद्यालयों में आपका विशेष विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा अन्य अन्य सामान्य बच्चों के साथ। तो हमारा जो NCF 2005 है वो समावेशी शिक्षा की बात करता है, तो यहाँ हमारा सबसे उपयुक्त आंसर हमें दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, तो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। आकलन को उपयोगी और रोचकर प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए, जो हमारा आकलन होता है उसको उपयोगी और रोचकर प्रक्रिया बनाने के लिए क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर वन कह रहा है विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, ठीक है इसको भी देख लीजिए। शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीकों को प्रयोग करना, ठीक है। प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना और अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। आप देखेंगे इसमें सबसे आपको अच्छा आंसर कौन सा लग रहा है, बताना चाहेंगे तो बताएं आप लोग। इसमें सबसे उपयुक्त आंसर जो आपका है वो क्या है, ऑप्शन नंबर टू। आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये CDP में भी आता है, SST में भी आता है, साइंस में भी आता है, किस कहीं भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका जवाब क्या होगा, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, डिसलेक्सिया जो होता है वो किससे संबंधित होता है, पठन विकार से होता है। पठन विकार इसका मतलब इसमें जो बच्चा होता है उसको अक्षरों का पहचान करने में क्या होती है, कठिनाई का अनुभव होता है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर टू क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ हम चलते हैं, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका होनी चाहिए, इसमें कौन सी होनी चाहिए, अग्रोन्मुखी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया यह विचार किसके संबंधित है, जब बाल विकास के आप सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़े होंगे निरंतरता का सिद्धांत, कि विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, ये माँ के गर्भ से प्रारंभ होती है और कब्र तक जाती है। तो ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया, अगर आप लोग को पता हो तो बताएं, नहीं तो हम बताना चाहेंगे कि इसका आपको आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर फोर होगा, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। क्वेश्चन नंबर 29 आपको दिखा दें, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने स्वयंरक्षक समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, तो आपका इसमें आंसर कौन सा होगा बताइए आप लोग। इसमें सबसे उपयुक्त आंसर आपका होगा प्रौढ़ा अवस्था, इसमें होगा किशोरा अवस्था। कौन सा होगा, स्वयंरक्षक समूह के सक्रिय सदस्य मतलब किस उम्र में हो जाते हैं, तो जब आदमी जवानी का समय जो होता है, किशोरावस्था का जो समय होता है, ये हमारा हो गया करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर
लास्ट आपका बच्चों के बौद्धिक विकास की चार विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लेंगे। इसमें आपको बताते चलना है कि ये पेपर में क्वेश्चन आते ही आते हैं हर साल। तो बच्चों के बौद्धिक विकास की चार विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई किसके द्वारा, तो जीन पियाजे के द्वारा की गई है। ठीक, उसमें अवस्थाओं को बताए हैं, 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 12 से 18। ये हमारा रहा 30 क्वेश्चन का ताबड़तोड़ सीरीज। ऐसे ही प्रतिदिन आप हमसे जुड़े रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।